ओके गाइस, तो ये हैक मुझे बहुत यूज़फुल लगा। आप कोई भी पेपर स्ट्रॉज ले सकते हो, पेपर नहीं तो दूसरी स्ट्रॉ ले सकते हो, और ऐसे अपनी फ़ोटोग्राफ को स्टाइल कर सकते हो। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए ये हैक बहुत ही अच्छा है। तो मैं यहाँ पर पेपर स्ट्रॉ का यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल फ़ोटोग्राफ के साइज़ में मैंने इसको कट कर लिया है, और सेंटर में से स्ट्रॉ को भी हम कट कर देंगे। एंड इसको सेंटर में से कट करने के बाद इसको हमने लगा दिया है ऊपर फोटोग्राफ में, और सेम ऐसे ही मैंने एक स्ट्रॉ और कटिंग कर ली है और इसको मैं लगा दूंगी नीचे वाली साइड। और इसको लगाते ही आप फोटोग्राफ का लुक देख सकते हो कितना चेंज हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है इसका लुक। और स्ट्रॉ का कलर कॉम्बिनेशन आप कोई भी ले सकते हो अपनी फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग, और कितना अच्छा फ्रेम सा बनकर रेडी हो चुका है। और उसके बाद आप कोई थ्रेड या फिर कुछ भी ले सकते हो, थ्रेड या फिर कोई रिबन वगैरह इसके अंदर ऐसे डाल सकते हो स्ट्रॉ के अंदर। तो कलर कॉम्बिनेशन मैंने बिल्कुल मैचिंग लिया है, ब्लू एंड वाइट कलर की मेरी स्ट्रॉ थी तो मैंने ब्लू कलर की ले ली है थ्रेड। आप कोई और रिबन वगैरह भी ले सकते हो और इसको ऐसे हैंग कर सकते हो कहीं भी वॉल पर। तो बहुत ही अच्छा DIY है गाइस, आप ट्राई ज़रूर करना। आप ऐसे कितनी मर्जी फोटोग्राफ्स अपने रूम में लगा सकते हो, बेड के ऊपर लगा सकते हो, वॉल पर लगा सकते हो। एंड सेकंड हैक भी मुझे इनका बहुत अच्छा लगा। आप कोई भी स्ट्रॉ ले सकते हो और थ्रेड एंड नीडल होल्डर बना सकते हो किसी भी स्ट्रॉ की हेल्प से। तो सबसे पहले जितने भी थ्रेड आप लगाना चाहते हो उतनी आप ग्लू गन लगा सकते हो, उतने पार्टीशन आप इसके कर सकते हो। मैं उन्होंने यहाँ पर 3 कलर्स के बनाए थे, तो आप जितने मर्जी बना सकते हो, 3-4 गाइस, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितना थ्रेड आप लगाना चाहते हो उतने आप बना सकते हो। एंड एक साइड से आपको इसको ओपन रखना है और दूसरी साइड इसकी बंद कर देनी है ग्लू गन लगाकर। और थ्रेड आप देख सकते हो इसके अंदर आप 3 कलर के थ्रेड लगा सकते हो। तो गाइज, अगर आप बाहर जा रहे हो, अगर आप ट्रैवल पर जा रहे हो, तो थ्रेड अगर आपको थोड़ा सा चाहिए उतना थ्रेड आप इसके ऊपर लगा सकते हो। एंड मैंने यहाँ पर 3 पार्टीशन किए हैं, आप जितने मर्जी कर सकते हो गाइज। और इसके अंदर हम नीडल्स डाल सकते हैं, और दूसरी साइड तो हमने बंद कर दी है ग्लू गन लगाकर, और इसके अंदर नीडल्स वगैरह डाल के ऊपर से कोई भी क्ले या फिर कैसे भी आप इसको बंद कर सकते हो, मॉडलिंग क्ले का यूज़ कर सकते हो, तो इसको आप बंद करके इजीली कैरी कर सकते हो अपने साथ। एंड नेक्स्ट हैक भी बहुत यूज़फुल है गाइस, कोई भी चिप्स के पैकेट वगैरह होते हैं उनको आप इजीली बंद कर सकते हो, वो बड़े बड़े ख़राब हो जाते हैं तो उनको आप बंद कर सकते हो। अगर आप बाहर हो, ट्रैवल कर रहे हो और चिप्स आपको रखने हो अपने, तो आप स्ट्रॉ लगाकर उसको भी बंद करके कैरी कर सकते हो अपने साथ, और इससे आपके स्नैक्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये हैक भी मुझे बहुत यूज़फुल लगा, एक स्ट्रॉ आपकी लाइफ की कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, तो आप ये हैक भी ट्राई करना एक बार। और इससे आपके स्नैक्स बिल्कुल भी बाहर नहीं आएंगे, अच्छे से आप इसको कवर करके लेके जा सकते हो। एंड सेम ऐसे ही आप किसी भी चीज़ को रैप करके रख सकते हो स्ट्रॉ लगाकर। तो ये हैक मुझे बहुत यूज़फुल लगा। एंड गाइस, नेक्स्ट हैक में उन्होंने दिखाया है, अगर स्ट्रॉ को हम ऊपर से होल्ड कर लेते हैं तो पोटैटो में इजीली डाल सकते हैं। तो ये हैक की ट्रिक है गाइस, आप इसे ट्रिक भी बोल सकते हो। तो इसे हम ट्राई करके देखते हैं, स्ट्रॉ को ऊपर से पकड़ के, तो इसके अंदर ओ माय गॉड इजीली जा सकती है यार। मतलब अगर हम नॉर्मली स्ट्रॉ डालते हैं वो इसके अंदर नहीं जाती, बट ऊपर से जब हम इसको होल्ड कर लेते हैं तो ये अच्छे से चली जाती है। तो ये ट्रिक जब मैंने देखी थी गाइस, तो मुझे था मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, बट ये ट्रिक 100% वर्क करती है। आप ट्राई करके देखना एक बार, ये वर्क करती है। अगर ऊपर से हम इसको होल्ड कर लेंगे तो ये ऐसे चली जाएगी। एंड ये हैक भी मैं ट्राई करके देखना चाहती हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने कोल्ड ड्रिंक डाल दिया है और इसको मैं रैप कर लूँगी पेपर से, और इसके अंदर स्ट्रो लगा के देखेंगे कि ये जो हमने कोल्ड ड्रिंक डाला है वो बाहर गिरेगा या फिर नहीं। तो गाइस देखते हैं ये हैक वर्क करता है या फिर हो जाता है फेल। तो पूरा टाइटली से आप देख सकते हो मैंने कवर लगा दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी स्ट्रो और देखते हैं आपको क्या लगता है ये हैक वर्क करेगा।
माई गॉड। तो यार ये हैक भी वर्क करता है सच में, जो कोल्ड ड्रिंक है, जो भी जूस वगैरह लिक्विड है वो बाहर नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। ऐसे आप ट्राई कर सकते हो, अगर आप कोई वर्क कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आप ऐसे पेपर लगा सकते हो यार, इट रियली वर्क्स। ओके, तो नेक्स्ट हम बनाएंगे DIY ब्रेसलेट विद स्ट्रॉ। तो शार्पनर से सबसे पहले इसको हम शार्प कर लेंगे और देखते हैं स्ट्रॉ से हम ब्रेसलेट बना सकते हैं। गाइस मुझे ये हैक बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा यार, बिल्कुल भी बेकार सा हैक है यार, आप ये ट्राई मत करना। तो आप देख सकते हो कितना वियर सा ब्रेसलेट बना है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो गाइस ये हैक भी बहुत यूज़फुल है, बट आप जब भी स्ट्रॉ कट करोगे थोड़ा सा ध्यान से आपको कट करना है, आपके हाथ पर लग ना जाए। तो कटर की हेल्प से जब भी आप इसको कट करो थोड़ा सा ध्यान से कट करना है, और बहुत यूज़फुल हैक है। आप अपने जो भी केबल्स होते हैं, चार्जर की वायर्स होती हैं, वो एक साथ इसके अंदर ऐसे रख सकते हो। तो ये हैक भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बट थोड़ा सा ध्यान से आपको कट करना है। तो इसके अंदर आप ऐसे कवर करके रख सकते हो, या फिर आपकी कोई केबल ख़राब हो गई हो या फिर डैमेज हो गई हो तो उसको भी आप ऐसे कवर कर सकते हो स्ट्रॉ की हेल्प से। तो ये हैक भी बहुत यूज़फुल है। एंड नेक्स्ट हैक में इन्होंने LED लाइट ली है और उसके ऊपर कलरफुल स्ट्रॉज लगाई हैं, और स्ट्रॉज लगाने के बाद आप देख सकते हो इसके कलर कितने चेंज हो गए हैं। तो ये हैक भी आप ट्राई कर सकते हो। एंड गाइज स्ट्रॉ लगाने के बाद आप देख सकते हो इसके कलर्स पूरे चेंज हो चुके हैं। अभी मैंने लाइट कलर के स्ट्रॉज लिए थे, बट अगर आप डार्क कलर के लोगे तो इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ऐसे करके आप कोई भी LED लाइट ले सकते हो और कलरफुल स्ट्रॉज लगा सकते हो उसके अंदर, बट आप थोड़े से डार्क कलर के लेना गाइज, तो ज़्यादा लुक अच्छा आएगा। एंड आप इसको कहीं भी लगा सकते हो रूम में, बहुत अच्छा लगता है। एंड नेक्स्ट हैक भी मुझे बहुत यूज़फुल लगा। आप क्या कर सकते हो, कोई भी स्ट्रॉ ले सकते हो, और सबसे पहले आपको इसको दोनों साइड से कट कर लेना है सीजर की हेल्प से। तो दोनों साइड से कट करने के बाद आप एक स्ट्रॉ को यूज़ कर सकते हो गाइस, जो भी आपके हेयर वगैरह फंस जाते हैं उसको आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये हैक भी बहुत यूज़फुल है, आप ऐसे जो भी बाल वगैरह होते हैं उनको ऐसे ईजिली निकाल सकते हो। एंड हमारी जो चेन होती है वो सारी ख़राब हो जाती है, तो उसको भी आप ऐसे स्ट्रॉ के अंदर डाल के सेपरेट करके रख सकते हो, इससे वो सारी मिक्स नहीं होंगी, ख़राब नहीं होंगी। तो ये हैक भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड नेक्स्ट हैक में इन्होंने बनाया है स्ट्रॉ कैंडल स्टैंड। तो काफ़ी सारी इन्होंने इसके ऊपर लगाई है स्ट्रॉ, एक ग्लास लिया है और बनाया है कैंडल स्टैंड। तो ये हैक मैं ट्राई करके देखती हूँ। सबसे पहले आप कोई भी छोटा सा ग्लास ले सकते हो और उसके ऊपर आप ऐसे कलरफुल स्ट्रॉ भी लगा सकते हो, पेपर स्ट्रॉज का यूज़ भी कर सकते हो, और इसको सारे में वन बाय वन पेस्ट कर दूँगी। एंड ये हैक भी वर्क करता है, आप ऐसे DIY स्ट्रॉ स्टैंड बना सकते हो, कैंडल स्टैंड बना सकते हो कोई भी स्ट्रॉज लेकर। तो मैंने यहाँ पर सिंगल कलर की ली है, आप मल्टी कलर की भी लगा सकते हो, और ये हैक भी बहुत अच्छा है।